आम और उस पर जागरूकता अभियान। आज मतदान का दिन है, जागरूकता के तमाम प्रयास हुए। इसी बीच में लगभग 45% मतदान जबकि इस ज़िले में हो चुका है। कुछ खबरें और कुछ चीज़ें बड़ी सार्थक और बड़ी प्रेरणादायक रही हैं। आज नगर पालिका आदर्श मतदान केंद्र पर लखीमपुर के नई बस्ती का एक परिवार हमारे साथ पूरा एकत्र रूप से है, जो कि एकत्र होकर यहाँ वोट देने आया। मैं बात कर रहा हूँ नई बस्ती के शेखर परिवार के। रामगोपाल शेखर जी अपने परिवार के साथ सब लोग आए, अस्वस्थ हैं लेकिन फिर भी मतदान के लिए आए, जो कि सबके लिए प्रेरणादायक है। हम उनसे बात करते हैं। आप कुछ अस्वस्थ हैं लेकिन इसके बावजूद आज पूरे परिवार के साथ मतदान करने आए हैं, कैसा लग रहा है, कैसा आप चाह रहे हैं, कैसा मतदान के लिए आपका मैसेज है लोगों के लिए? मत का प्रयोग सबको करना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है। हमारे परिवार के संग हमारे बच्चे सब आए हुए हैं और मत देने में खुशी हो रही है। मतदान मेरा अधिकार भी, मेरा कर्तव्य भी, परिवार के और लोग भी हैं। क्या कहेंगे? लोकतंत्र का पर्व पूरा प्रदेश मना रहा है और निश्चित तौर पर आज के दिन एक मन में सुबह से ही एक ऐसा एक्साइटमेंट रहता है, उत्साह रहता है कि यार आज हमको वो काम करना है जिसके लिए शायद हमने जन्म लिया है। और ऐसे में लगता है कि यार हमारा कितना योगदान है, कितनी इम्पोर्टेंस है कि एक आपके मत की कि आप जो सरकार चुनेंगे आप अपना भविष्य चुनेंगे। इसलिए मेरी भी यही सभी से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग इस बार एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करें जैसे घर में हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं उसकी तैयारियों में हम लोग जुट जाते हैं, इसी तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को हमको मनाना चाहिए। कुछ ऐसी ही अपील हमारी भी सभी मतदाताओं से है कि इसको बिल्कुल पारिवारिक एक कार्यक्रम के रूप में लें मतदान को, और इसको बढ़ चढ़कर भागने अभी भी काफ़ी समय है, अभी भी समय है। साथ ही आशीष गुप्ता, राजेश शर्मा के साथ संजीव पाहवा, माई लखीमपुर खीरी .com। दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोस।